डायरेक्ट एडमिशंस? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और डायरेक्ट एडमिशंस ले रही है? Hi guys, this is Rashmi Duhan and welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. और guys, आज की वीडियो में जिस कॉलेज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उस कॉलेज में होते हैं डायरेक्ट एडमिशंस. तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए मेरे टीम के थ्रू जिसकी डिटेल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. तो गाइज, जिन लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देने से डर लगता है उसके लिए तो ये कॉलेज बेस्ट है. नॉर्थ की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है और डायरेक्ट एडमिशंस लेती है. तो इसके लिए तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि एडमिशंस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं. तो ये ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट एडमिशंस लेती है? तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की. CGC की दो ब्रांचेस हैं, एक लांड्रा में है और एक झंझेरी में है, और दोनों ही मोहाली में है. इसकी वीडियो में हम ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का. उन कैंडिडेट्स के लिए ये सीरियसली गुड न्यूज़ है जिनके मन में खौफ है एंट्रेंस एग्जाम देने का, क्योंकि मुझे कमेंट्स में हमेशा यही आता रहता है CU सेट देना कंपलसरी है क्या, LPU नेस्ट देना कंपलसरी है क्या, या फिर किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है क्या. तो यहाँ कोई एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं है, किसी बात का डर ही नहीं है. तो अगर आपने अपने कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर की है, कुछ 3-4 कॉलेजेस की जहाँ आपको ट्राई करना है, तो उनमें आप एक CGC का नाम भी ऐड कर लो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशंस है. तो ये डायरेक्ट एडमिशंस के लिए भी एक क्राइटेरिया है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको CGC के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाए. तो गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था इन 2016, उस टाइम पूरा एक साल हमें CGC के हॉस्टल में रखा गया था. तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है CGC का ब्रीफ ओवरव्यू देते हुए. सो गाइज, एडमिशंस आर ओपन फॉर ऑल UG, PG सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज. इस वीडियो में आगे अब हम डिस्कस करेंगे CGC में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई एंट्रेंस टेस्ट है या नहीं है, और फी स्ट्रक्चर कुछ कोर्सेज का, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस, क्या क्या कोर्सेज CGC हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. और अकेडमिक्स के अलावा क्या फैसिलिटीज हमें मिलेगी, प्लस प्लेसमेंट्स. अगर आपको चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आप मेरी टीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. मेरी टीम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. तो गाइस, CGC हमें ऑफर करता है 60+ कोर्सेज, स्पेशलाइजेशंस अंडर 7 स्ट्रीम्स, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन, फार्मेसी एंड होटल मैनेजमेंट. तो गाइस, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज CGC हमें प्रोवाइड करता है. तो इंजीनियरिंग में हमें मिलते हैं ये कोर्सेज, और इनकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो BTech की फ़ीस है 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में. मतलब कि ये मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकती क्योंकि इसकी फ़ीस जो है ना हर सेमेस्टर के बाद चेंज होती है. जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर की 47,000 है, तो उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से 45,000, और हर कोर्स का यही है. हर कोर्स की फ़ीस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में डिफरेंट है. तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, उस लिंक से आप इनकी सारी फ़ी की डिटेल्स जो हैं वो जान सकते हैं. और मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिसे जिस कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अपने कोर्स की चेक कर सकता है. तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. CGC की प्लेसमेंट्स कैसी हैं? तो गाइज, CGC की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है. तो गाइज, जब प्लेसमेंट ड्राइव्स आती हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और CGC ने टाई अप कर रखा है. तो कई बार होता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स CGC के कैंपस में जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और कई बार CGC के स्टूडेंट्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए. तो इनकी कुछ प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो कंबाइंड होती हैं. तो प्लेसमेंट्स तो CGC की बहुत अच्छी हैं. सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स होती हैं IT सेक्टर में और मैनेजमेंट में. अगर हम पर्टिकुलरली 2022 की बात करें तो 800 कंपनीज ने विजिट किया था CGC प्लेसमेंट्स के लिए. 8,500 प्लेसमेंट ऑफर्स किए गए थे 2022 की प्लेसमेंट ड्राइव्स में, और हाईएस्ट पैकेज गया था 45 लाख पर एनम. और जिन कंपनीज ने विजिट किया था वो उनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे है डायरेक्ट एडमिशंस, अब तक इनका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है. ये मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं बच्चों का. और BTech में एडमिशन लेने के लिए आपका JEE मेन का स्कोर देखा जाता है. अगर आपका स्कोर अच्छा है तो वो उस बिहाफ पे आपका एडमिशन लेते हैं. ये गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देने से डरते हैं, पर
ये मेरिट बेसिस पे होगा, तो अगर आपका स्कोर, अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। है डायरेक्टली आपको जाके इनकी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है और आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है, और अगर आपको एडमिशन मेरी टीम के थ्रू करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी मेरी टीम आपको गाइड करेगी, आपको काउंसिल करेगी, तो मेरी टीम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, क्योंकि जब बच्चे दूर दूर से एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको नहीं पता लगता है पीजी में या फ्लैट में कैसी फैसिलिटीज़ हैं। सीजीसी लांड्रा में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ से 20 किलोमीटर्स दूर है चंडीगढ़, और झंझेरी से 25 किलोमीटर्स। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ की हम बात करेंगे तो सीजीसी का हॉस्टल बहुत अच्छा है, रूम्स काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी क्लीन हॉस्टल है, और फूड गाइस फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से सीजीसी का खाना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे गर्ल्स का सिर्फ एक हॉस्टल है, वो है कल्पना हॉस्टल, और बॉयज़ के लिए 6 हॉस्टल हैं। तो अब हॉस्टल फी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको विजिबल है। रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ भी सीजीसी में भी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं हॉस्टल के। तो ओवरऑल हॉस्टल फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी है। तो गाइज हमने आज की वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन क्राइटेरिया, कोर्सेज, हॉस्टल फैसिलिटी सब डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी कोर्स की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर जितना मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से उतना ही जल्दी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।